हेलो फ्रेंड्स, हम सेवन्थ मे का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, यूएस बैक्स आईपी राइट्स वेवर फॉर कोविड वैक्सीन, ईयू सेज रेडी टू डिस्कस। तो बेसिकली यूएस का ये कहना है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको वेव ऑफ कर दिया जाए ताकि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और बाकी जो कंट्रीज है वो भी वैक्सीन की डेवलपमेंट कर सकें ताकि वैक्सीन स्टॉक में अवेलेबल हो। इन अ मूव दैट कुड पोटेंशियली हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन वेंसडे अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर वेविंग आईपी प्रोटेक्शन फॉर दीज वैक्सीन। लेकिन अभी इनको आईपी प्रोटेक्शन को वेव ऑफ करने के लिए जो WTO के सारे मेंबर्स हैं उन सबको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। तो हाउएवर सच अ वेवर कैन ओनली बी एनफोर्स्ड इफ द फाइनल प्रपोजल विच विल हैव टू बी रीवर्क थ्रू डिस्कशंस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द WTO। अब आईपी वेवर के बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है जो कंट्रीज हैं जैसे कि कनाडा, साउथ कोरिया, बांग्लादेश हैव ऑल एविडेंस इंटरेस्ट इन प्रोड्यूसिंग कोविड वैक्सीन इफ दे हैव अ पेटेंट वेवर, कि ये सारी जो कंट्रीज है वो भी बना सकेंगी और वैक्सीन अवेलेबल रहेंगी बल्क में। अ वेवर ऑन आईपी प्रोटेक्शंस वुड मीन वैक्सीन मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस देम विदाउट फेसिंग लीगल एक्शन फ्रॉम द कंपनीज दैट ओरिजिनली डेवलप देम। अब इसके कुछ प्रोस भी हो सकते हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं। इसके कॉन्स क्या हो सकता है, जैसे जिन कंपनी ने बनाई है, जिन्होंने R&D में खर्च किया, फिर वो डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर ऐसे आईपी वेवर हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ ऐसे आईपी वेवर होने से ही वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी, वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो रॉ मटेरियल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास। तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इस वाले पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादातर सब कोविड से न्यूज़ है कि मुंबई का कैसा मॉडल रहा कोविड से डील करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बंगाल वायलेंस रिलेटेड पोस्टल वायलेंस तो एक खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम आगे चलते थर्ड कोविड वेव इम्पेंडिंग फिनिश वैक्सीनेशन। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि थर्ड कोविड वेव तो आनी ही आनी है, तो उसके लिए हम उससे लड़ सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन टाइम पर फिनिश कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट Thursday flagged warnings about an impending third wave of the COVID-19 pandemic and stressed on the need to complete vaccination and create buffer stocks of oxygen. ठीक है, बेसिकली उन्होंने ये भी बोला है सेंटर को कि डेली को इंश्योर करें कि 700 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मिले। कल मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो कि PM को है, उनका ये कहना है कि थर्ड वेव आना तय है, इनएविटेबल है, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कोविड से रिलेटेड है। अब आंध्र प्रदेश में एक नई कोविड की स्ट्रेन मिली है जो मानी जा रही है कि 15 टाइम ज़्यादा वायरोलेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टू स्ट्रेन, जो कि डबल म्यूटेंट हो जो पहले की से। तो अब इसी के चलते दिल्ली ने बोला है कि वो जो भी पर्सन वहाँ से आ रहा है उनको मैंडेटरी क्वारंटीन होना है। तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट, बस एक और आंध्र प्रदेश में एक और स्ट्रेन मिल गई है। तो इन लाइट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ ए वायरोलेंट स्ट्रेन ऑफ COVID-19 इन आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, द दिल्ली गवर्नमेंट थर्सडे सेड पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम दीज स्टेट्स टू द कैपिटल विल हैव टू अंडरगो मैंडेटरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, ठीक है। तो बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली है। आगे चलते हैं, सेंट्रल रिश्ता प्रोजेक्ट, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट को वापस से बनाया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि आसपास की जो कंट्रीज है वहाँ पर भी बॉर्डर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज पर जो मैंने आपको बताया था कल मराठा के बारे में, जो मराठा रिजर्वेशन था उसे सुप्रीम कोर्ट ने कॉश कर दिया, ये कहते हुए कि मराठा मेन स्ट्रीम डोमिनेंट फोर्स है और उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा हमें और मेथड्स करने चाहिए ताकि वो और पॉलिटिकली और एजुकेशनली डोमिनेंट हो सके। मतलब हमें ज़्यादातर एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन एक तरीका नहीं होता है लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने का। हमें पढ़ते हैं, द 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑर्डर दैट स्ट्रक डाउन द महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी इन पब्लिक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 इंदिरा साहनी जजमेंट था जो कि बेसिकली ये बोला गया था जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं किया जाना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अलावा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है तब तो 50% से ऊपर जा सकता है, पर उसके अलावा 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और तो बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस जजमेंट को रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्या 50% सही बेंचमार्क है जो सेट किया गया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अब इसको रिविजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जजमेंट ठीक है और हमने टाइम एंड अगेन इसको यूज़ किया है। द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट 2018 एक्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड बाई एक्सीडिंग द सीलिंग ऑफ 50% गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 15।
महाराष्ट्र 2018 लॉस वॉज द आउटकम ऑफ ए प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल कैंपेन बाय द न्यूमेरिकली सिग्निफिकेंट एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट मराठा कम्युनिटी। तो बेसिकली मराठा कम्युनिटी ने 2018 में काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन किया था, उसके बाद ही ये एक्ट लाया गया था उनको रिजर्वेशन देने के लिए। एटलीस्ट इसके लिए 3 नेशनल कमीशन बनी थी, 3 स्टेट कमीशन बनी थी, जिन्होंने रिजेक्ट कर दी थी डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन द पास्ट। ठीक है, फिर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था कि कौन सी पार्टी आएगी जो कि मराठा को रिजर्वेशन देगी। तो उसके चलते बट रिजर्वेशन है महाराष्ट्र इज ऑलरेडी रीच द 50% बार सेट बाई इंदिरा साहनी, और इंक्लूजन ऑफ मराठास के बाद जो कि 35% होते हैं ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन विद इन द एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा, ओबीसी कोटा में दिया जा सकता था पर फिर ये फिर उनका कोटा कम हो जाता। तो विद इन द एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा वॉज फ्रॉड विद द रिस्क ऑफ टर्निंग अदर बेनिफिशियरी ग्रुप्स रेस्टिव, हेंस अ सेपरेट कोटा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। इसलिए एक नया कोटा कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसमें जस्टिस गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट यूज की गई और ये क्लेम किया गया कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। एपेक्स कोर्ट हैज़ नाउ रिजेक्टेड द कमीशन्स आर्ग्यूमेंट। उनका ये कहना है कि जो मराठास हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। बाई ऑल अकाउंट्स द कमीशन्स रिकमेंडेशंस मे हैव मेड अ मोर पर्सुएसिव केस फॉर प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन रादर देन सोशल जस्टिस। गोइंग अहेड द महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड लिसन टू द स्टेट्स टॉप ब्यूरोक्रेट्स हु हैव रिपोर्टेडली एडवाइज द लीडरशिप टू अंडरटेक अ फ्रेश स्टडी टू सपोर्ट द मराठा क्लेम फॉर बैकवर्ड स्टेटस। ठीक है, और इसके अलावा 102 अमेंडमेंट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। तो उन्होंने भी बेसिकली ये बोला था कि ये प्रेसिडेंट किसी भी कास्ट को ऐड कर सकते हैं कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट है, और उसके बाद फर्दर पार्लियामेंट उसे किसी भी कास्ट को इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकती है इस लिस्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बेसिकली ये कहना था कि जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कर सकती है, लेकिन सेंट्रल जॉब्स के लिए जो पार्लियामेंट है वो ही करेगी, पर इन सब के बाद भी प्रेसिडेंट ही होगा ऐसी अथॉरिटी जो कि ऐड कर सकता है कोई भी कास्ट। अब यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल में नहीं, हम सेकंड आर्टिकल डिस्कस करें तो ताइवान मॉडल ये है कि बेसिकली ताइवान ने कैसे COVID-19 को सक्सेस प्राप्त की और WHO मैकेनिज्म में उसका पार्ट होना चाहिए। तो अब ताइवान ने ऐसे कैसे सक्सेस प्राप्त कर ली, क्योंकि जब 2003 में SARS वायरस आया था तो ताइवान उससे रूबरू था, उसे पता था कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो पहले से ही प्रिपेयर था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी थी, उसने रिग्रस टेस्टिंग की, क्वारंटीन किया और बेसिकली एक सक्सेस मॉडल दिया है। तो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, ताइवान वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द एपिडेमिक, बट गिवन इट्स एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग द 2003 SARS आउटब्रेक, ताइवान डिड नॉट इग्नोर द अलार्म्स, पीसिंग टुगेदर इवॉल्विंग ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल अकाउंट्स टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ द इमर्जिंग डिजीज। ठीक है, जो कि बेसिकली बाद में एक पैंडेमिक बन गया। अथॉरिटीज यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू लॉन्च, इससे क्या उन्होंने जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने मॉनिटरिंग एनहेंस की। ठीक है, हेल्थ कंटेनमेंट मेजर्स लिए गए। ठीक है, जब ताइवान का पहला केस डिटेक्ट हुआ था जनवरी 2020 में। ठीक है, उसके बाद SARS से डील करने के बाद ताइवान ने तभी एक इस्टेब्लिश कर ली थी नेशन वाइड इन्फेक्शियस डिजीज हेल्थ केयर नेटवर्क, जो कि उन्होंने जिस नेटवर्क ने उन्हें बहुत हेल्प किया COVID-19 को कंटेन करने में। इसके अलावा दिस हैज हेल्प्ड प्रोटेक्ट हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म एंड अलाउड मोस्ट नॉन कोविड हेल्थ सर्विसेज टू कंटिन्यू बाय एक्टिंग अर्ली एंड इफेक्टिवली। ताइवान ऑल्सो मिटिगेटेड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है तो उससे इकॉनमी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ताइवान ने पहले अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी थी, उसने इम्प्लीमेंट किया, इसलिए उससे ऐसा इकोनॉमिक फॉलोआउट भी देखने को नहीं मिला और उसको इतना ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ा। टू मेंटेन एसेंशियल इंटरनेशनल सोशल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज, ताइवान इंप्लीमेंटेड फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स फॉर रिलेटेड क्वारंटीन मेजर्स फॉर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट सो दैट फिशरीज ऑफशोर विंड फार्म्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज कुड कंटिन्यू ऑपरेशंस। तो बेसिकली जो ताइवान है, अगर हम भी पहले से प्रिपेयर रहते तो हमें भी इतना इकोनॉमिक फॉलोअप देखने को नहीं मिलता, जैसे हम टेक्निकल रिसेशन में चले गए थे तो वो सारी चीज़ें नहीं होती अगर हम पहले से प्रिपेयर रहते। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। इस पेज पर कुछ भी फॉलो नहीं है। ये एक यहाँ पर एक सीरप का नाम है जो कि एक बेसिकली होम्योपैथी की सीरप होती है, तो उसे कंज्यूम करने से काफ़ी लोग की डेथ होगी, जिसका नाम है Drosera 30, अब होम्योपैथी सीरप जिसमें लगभग 91% अल्कोहल कंटेंट होता है। तो लोगों ने इसको सब्सटीट्यूट की तरह पी लिया था, लेकर के सब्सटीट्यूट की तरह। Drosera 30 क्या है, तो ये होम्योपैथी सीरप है। आगे चलते हैं। IP वेवर फॉर कोविड वैक्सीन, तो मैंने आपको बता दी इसका कैसे मतलब हो सकता है, तो इसके बारे में एक बड़ी चीज बनने का कोई मतलब नहीं। अब वाई RBI वॉन्ट्स मॉडरेट बॉन्ड यील्ड्स एंड व्हाट इट मींस फॉर इन्वेस्टर्स। तो अब RBI ने बॉन्ड यील्ड्स, अब इस बार हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड कम होती हुई दिख रही है, तो बेसिकली इसमें नॉर्मल लॉजिक है क्यों बॉन्ड यील्ड कम होती हुई दिख रही है। जब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो किसी भी चीज़ का प्राइस घट जाएगा। ठीक है, अब RBI भी एक बायर हो रही है तो उससे प्राइस घट जाएगा, जब प्राइस घट जाएगा तो बॉन्ड यील्ड क्या होगी, बढ़ी हुई देखेगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो बॉन्ड यील्ड घटी हुई देखेगी। मतलब ये इनवर्स रिलेशन होता है।
ऑन वेंसडे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन टू सेट अ परचेज ऑफ जीसैप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम लेट टू द ईल्ड ऑन द बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड फॉलिंग बिलो 6%। तो अभी हम देख रहे हैं कि ईल्ड जो है वो कम होती हुई दिख रही है। क्यों ईल्ड कम होती हुई दिख रही है? क्योंकि अब आरबीआई भी एक बायर हो गई है। अब आरबीआई बायर हो रही है तो मतलब डिमांड बढ़ रही है उसकी, इसीलिए हमें ईल्ड कम होती हुई दिख रही है। द ईल्ड ऑन द 10 ईयर बेंचमार्क 5.85% 2030 बॉन्ड फेल बाई 0.62%। तो इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम ईल्ड है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको बताऊँगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की गई थी शायद लास्ट टू लास्ट बजट में, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी ऐसी कंपनीज होती है जो कि कुछ सोशल इम्पैक्ट डालना चाहती हैं सोसाइटी में, जैसे मैल न्यूट्रिशन को दूर करना चाहती है, हंगर को दूर करना चाहती है, तो वो यहाँ से पैसा मोबिलाइज कर सकती थी। ठीक है, तो अब उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, हर्ष बानावाल कमेटी। तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, हर्ष बानावाला कमेटी जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे नाबार्ड के। तो एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसने बेसिकली बताया है कि किन कौन कौन यहाँ से पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते। तो टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट सेट बोथ फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज विल बी एलिजिबल टू टैप द एसएससी इफ दे आर एबल टू शो देयर प्राइमरी गोल्स आर सोशल इंटैक्ट एंड इम्पैक्ट। लेकिन जो कॉर्पोरेट फाउंडेशन है, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ से पैसे नहीं कर सकते, विल नॉट बी परमिटेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो कॉर्पोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज, प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन होंगे? तो नॉट फॉर प्रॉफिट होंगे, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे वो अपने बाकी तरीके से पैसे चैरिटी वगैरह से ला सकते हैं। तो आपको हर्ष बानावाल पता होनी चाहिए कि इनके चेयरमैन, ये चेयरमैन थे, कमेटी बनाई गई थी सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, जहाँ पर रिलीजियस एसोसिएशन को मना कर दिया गया। बाकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ट्यूजडे को अलाउ कर दिया है प्राइवेट टेलीकॉस्ट भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया को। और इसके अलावा दो स्टेट वाली हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, सॉरी एक ही स्टेट वाली है, MTNL, टू स्टार्ट ट्रायल्स फॉर 5G टेक्नोलॉजी एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस सेक्टर्स, कि 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अब बेसिकली तीन बैंड्स में ट्रायल होगा, एक लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी, ऑल ऑफ विच हैव देयर यूज एंड लिमिटेशंस। तो इस आर्टिकल में खैर इतना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप कुछ ऐड भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।